हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय कुकिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक नया रेसिपी लेके आया हूँ, ग्रीप स्वीट रेसिपी कैसा बनाना है। शुरू से अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करके रखना, ऐसी मज़ेदार वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम आधा किलो ये ले लिया, ग्रीप्स ले लिया, अंगूर ले लिया मैंने, आधा किलो अंगूर ले लिया। इसमें मिक्सी जार में इसको ग्राइंड करने के लिए इसको जूस बनाना है बिल्कुल। इसका साथ थोड़ा सा हल्का पानी डाल देता हूं, पानी डाल के इसको क्या करना है, मिक्स करना है, इसको बिल्कुल जूस बनाना है। इसी मैंने क्या है, इसी जूस निकाल स्टेनर में इसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसका जो दाना दाना है इसको छान के इसको फेंकना है, क्योंकि वो ऐसी दाना दाना रहेगा तो आपका मिठाई में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसका मैं डाल देता हूँ कॉर्नफ्लावर 50 ग्राम। अब जो अंगूर का जूस बनाया था उसमें डाल देता हूँ, बाकी सारे जितना जूस है 500 ग्राम का जितना जूस है उतना सारे डाल देता हूँ। मैं डाल के इसको अच्छा से मिक्स कर लेता हूँ, कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छा से मिक्स करना है। जैसा देख पा रहे हो मैं मिक्स कर रहा हूँ, ऐसी सेम प्रोसेस करना है, मिक्स करना बहुत अच्छा रेसिपी बने। उसके बाद मैंने एक कप ले लिया शुगर, ले लिया मैंने एक कप मतलब 100 ग्राम के आसपास, एक वाटर ले लिया 50 ml। इसको क्या करना है, तेज करके चूल्हा को तेज करके इसको क्या करना है, बॉयल करना है, तेज करके बॉयल करना है। आपको तब तक ही चलाना है जब तक एक तार ना बन जाए, तब तक चलाना है। जैसा तार एक तार बन जाएगा आप क्या करना है, इसको धीरे 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 करके वो जो जूस बनाया था उसको कॉर्नफ्लावर डाल के जो जूस बनाया था वो जूस धीरे 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 करके डालना है और इसको घुमाते जाना है, क्योंकि एक ही साथ में डालोगे तो वो ठंडा पानी है क्या हुआ आराम से बैठ जाएगा, इसलिए धीरे धीरे चलाना है। कुछ टाइम चलाने के बाद देखो बिल्कुल ऐसी टेक्चर बन जाएगा, देखो कितना मस्त है टेक्चर बन जाएगा ऐसी, फिर और भी बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आप फ्रूट कलर भी डाल सकते हो, फ्रूट कलर आपको जो भी पसंद है फ्रूट कलर डाल सकते हो। मैंने ग्रीन डाल दिया, ग्रीन डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद 2-3 मिनट ऐसी आपको क्या पकाना है, पकाने के बाद देखो हमारा फिर एक मैं पंकिन सीड ले लिया एंड वाटरमेलन सीड ले लिया, लेके नीचे एक दिया। इसमें नीचे क्या है, ट्रे का नीचे मैंने बटर लगा दिया, बटर लगा के देखो मैं सारी चीज़ डाल देता हूँ, देखो कितना ये मस्त लग रहा है। फिर इसको क्या करना है, ऐसी ये ट्रे में डालने के बाद सेट कर देता हूँ, ऊपर भी ऊपर से भी अच्छे से डाल दूँगा पंकिन सीड एंड वाटरमेलन सीड डाल देता हूँ मैं। पंकिन सीड वाटरमेलन सीड डाल के क्या करना है, इसको बिल्कुल ठंडा, जैसा आपका ठंडा होते जाएगा उतना सेड होते जाएगा। मैं ठंडा करने के लिए डाल देता हूँ, देखो ठंडा हो गया हमारा बिल्कुल, 2 से 3 घंटे के बाद हमारा ठंडा हो चुका है, फ्रिज में डाल दिया था, फिर हमारा सेड होकर देखो कितना मज़ेदार निकला है, देखो कितना देखने में भी मौसम लग रहा है, देखो कितना सॉफ्ट है और इतना स्पॉन्जी है, उठा रहा हो तो बेंट हो जा रहा है, आप लोग को देख पे लग रहा है जो कितना स्पॉन्जी है। खाने भी बहुत स्वादिष्ट है, बच्चे बच्चे सब पसंद आएगा, ठीक है जरूर घर में ट्राई करना। मैंने काट रहा हूँ, देखो कितना मज़ेदार लग रहा है, कितना ये लग रहा है, देखो ऐसी काट लेता हूँ, इसको बर्फी का हिसाब से ऐसी काट लेता हूँ, साइड में थोड़ा सा वो ये गलत काट दिया था उसी का वजह से ये हो गया, बिल्कुल नाइफ का ऊपर कोना पकड़ के ऐसी काट रहे हैं। देखो बर्फी का जैसा निकाल लूँ, अभी देख के पता चल जाएगा कितना स्पॉन्जी है और कितना ये है, ठीक है अभी काट देता हूँ। देखो अभी एक एक पीस निकाल के मैं आप लोग को तोड़ के दिखा देता हूँ कितना स्पॉन्जी है, मुंह में जाने का बात तो और भी पिघल जा रहा है, इतना मज़ेदार बनाना आप ज़रूर घर में ट्राई करना ये रेसिपी। देखो कितना स्पॉन्जी है, कितना स्पॉन्जी है और देखने में कितना भी स्वीट लग रहा है। मैं एक एक करके इसको सजा देता हूँ, देखो कितना देखने में, देखो साइड भी देखो जिस तरफ काटा है उस तरफ भी देखो कितना मज़ेदार लग रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।